हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शैलजा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द लाइवली में। आज मैं आई हूँ नामकुम बाजार में, तो चलिए आप लोग भी घूमिए मेरे साथ नामकुम बाजार। ये है सदाबहार चौक और जैसा कि एरो में दिखाया गया है, अगर आप इस चौक से दाहिने की तरफ जाइएगा तो पहुँचेगा डोरंडा। बाएं की तरफ है नामकुम बाजार और मंदिर के पीछे से एक रोड जा रही है, वो आपको ले जाएगी सीधे रिंग रोड। मंदिर से बाएं मुड़ने के बाद आपको ये जगह दिख जाएगी और जहाँ पे नामकुम बाज़ार का बोर्ड लगा हुआ है और रोड के दाहिनी तरफ लगता है नामकुम बाज़ार। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बाएं की तरफ से मैं आई थी और आगे जा कर के जैसा मैंने बताया दाहिनी तरफ नामकुम बाज़ार है और इसी ही रोड में आप सीधे जाइएगा तो आप पहुँच जाइएगा रांची टाटा हाईवे, और उसी से बाएं जो रोड जाता है वो आपको पहुँचाएगा लोवाड़ी होते हुए कांटाडोली चौक। अगर आप उस तरफ से आना चाहते हैं नामकुम बाज़ार तो वो रास्ता भी आप ले सकते हैं। अब चलिए बाज़ार में अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आज बाज़ार में कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैं आगे की तरफ जा रही हूँ और यहाँ पे बहुत सारी सब्जी वाली लोग भी बैठी हुई है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बहुत बड़ा सा यहाँ बाज़ार लगा हुआ है। यहाँ पर नींबू मिल रहा था जो कि अलग अलग दाम का था, जैसे 10 रुपये का 4 और थोड़ा बड़ा नींबू था जो कि 20 रुपये का 4 मिल रहा था। जिस तरह का मौसम रहता है उसी तरह का सब्जी आपको देखने के लिए मिलेगा बाज़ार में। तो अभी बरसात का मौसम चल रहा है, बहुत सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं। नामकुम बाज़ार आने से पहले आप ध्यान रखें कि यह साप्ताहिक बाज़ार है और ये सप्ताह के 2 दिन गुरुवार को और रविवार को लगता है। अब बैगन कैसे चल रहा है? बैगन 30 रुपये। बैगन 30 रुपये। और टमाटर 60। फिर भैया लोग और दीदी लोग भी बैठे हैं और सब्जी बेच रहे हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से सब्जी ये लोग लेकर के आते हैं। और ये बाजार दूर से 2 पैसा कमाने के लिए आते हैं। हाँ, दादा बोल रहे हैं कि जितना भी सब्जी आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनके बगान का ही सब्जी है जो लोग मेहनत करके आते हैं यहाँ पर नामकुम बाजार में बेचने के लिए। और देखिए उधर दूर तक दीदी लोग भी बैठी हुई है वहाँ पर। बारिश के चलते सब सब्जी मर गया, सब जितना लतर चढ़ा था, बीन फल रहा था, बोदी सब मर गया। बाजार में बहुत महंगा हो रहा है, तो थोड़ा बहुत खरीदते भी है और बगान के ही लाए है। यहाँ पे और एक दादा बैठे हुए हैं और पत्ता गोभी, बैगन, करेली, बहुत सारी सब्जियाँ बेच रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं भैया की दुकान में खड़ी हूँ और देखिए भैया के पास बहुत सारे मसाले हैं। यहाँ पे तरह तरह के खड़े मसाले हैं और सोयाबीन है, चिप्स है। चलिए भैया से बात करते हैं। 2 बजे से बाजार लगता है, वहीं 6-7 बजे खत्म हो। 8 बजे तक लगता है। हाँ। बाजार 8 बजे तक रहता है। लहसुन कितना चल रहा है भैया? लहसुन अदरक दाम 40 रुपए किलो। लहसुन 40 रुपए किलो। 30 रुपए किलो। और अदरक? अदरक 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो। और ये वाला आलू 20 रुपए किलो। 20। और प्याज कितना नहीं? प्याज भी 20 रुपए किलो। प्याज भी 20 रुपया। अच्छा दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैं एक दीदी की दुकान में रुकी हूँ और यहाँ पे बहुत सारे पूजा की सामग्री आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे नामकुम बाजार में सारी चीजें मिलती हैं, तो लोग अपनी जरूरत के अनुसार इनको खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे देखिए मोर पंख भी है और यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें, जैसे बच्चे लोग डांस करते हैं स्कूल में या कोई फंक्शन होता है तो बालों में लगाने के काम आया जाता है, तो प्लास्टिक का भी बनता है ये। और ये वाला जो देख रहे हैं दोस्तों, इसको पेपर से बनाया जाता है।
350 का। 350 और ये वाला? ये 320 का। 320 का है। और पीछे जो बैग लगा हुआ है वाला सब 350 का, ऊपर वाला 250 रुपए का। अच्छा तो भैया बता रहे हैं नीचे वाला सब 350 का है और ऊपर जो बैग देख रहे हैं आप लोग वो 250 रुपए का है। और यहाँ पे दोस्तों लेडीज बैग भी है, ये देख सकते हैं, ये सब 150 की है। 150 रुपया दाम है इसका। और ऊपर में भी काफी सुंदर सुंदर बैग लगे हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं? इसको दे दीजिएगा। देखिए नामको मजार में बहुत तरह के कपड़े भी मिलते हैं। यहाँ देखिए हर उम्र के लोगों के लिए यहाँ पे कपड़ा है। और यहाँ पे बच्चियों के लिए फ्रॉक भी दिख रहा है मुझे। बाजार के एक तरफ जहाँ पे कपड़ों की दुकान लगती है, बरसात के मौसम में रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो इसे जल्दी से जल्दी ठीक कर देना चाहिए ताकि सामान बेचने वालों को भी परेशानी ना हो और ख़रीदने वालों को भी परेशानी ना हो। बाज़ार घूमते घूमते मुझे एक दुकान दिखाई दिया जहाँ पर बहुत सारे कंबल मिल रहे थे। मच्छरदानी था, बेडशीट था, पिलो कवर था और इनके पास बहुत सारी साड़ियाँ थी, सूट के कपड़े थे। और यहाँ पर नीचे आप पर्दे भी देख सकते हैं। नामको बाज़ार में आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। बाज़ार के एक तरफ आपको खाने की चीज़ें मिल जाएगी। तो यहाँ पर दीदी नीमकी बेच रही थी, इनके पास सेव था, गुड़ लट्ठा, शकरपाला और दाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर आपको लेना होगा तो आप ज़रूर लीजिएगा। और यहाँ पे है बादाम, काजू वाले बिस्किट और बहुत तरह के यहाँ पे चने दिखाई दे रहे हैं, मूढ़ी है, तो बाज़ार में ये सब चीज़ें मिलती हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक नानी की दुकान में रुकी हूँ और बहुत ही सुंदर सुंदर झाड़ू नानी बेच रही है। तो चलिए झाड़ू का दाम जानते हैं इनसे। 70 रुपया एक झाड़ू। तो 70 रुपया का एक झाड़ू है दोस्तों। नामको बाजार में आपको दत्तुन, पत्तल और दोना भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। पत्तल का दाम 2 रुपया पीस और दोना का दाम 2 रुपया पीस है। यहाँ पे बहुत सारे दतुन भी मिल रहे थे जिसे करंज पेड़ की टहनियों से बनाया जाता है और इसे मुंह साफ करने के काम में लाया जाता है। आगे मैंने देखा कि बाज़ार में भेलवा पत्ता भी बिक रहा था, इसे खेत में लगाया जाता है और इसे मैंने शालीमार बाज़ार की वीडियो में भी आपको दिखाया होगा। और दोस्तों अगर आप बाज़ार घूमते घूमते थक जाते हैं तो आप इन व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं बाज़ार में। और यहाँ देखिए दीदी गर्मा गर्म कचरी भी छक रही है। और ये सारी चीज़ें लगभग सब लोगों की फेवरेट होती है, तो मैं बताती हूँ कि यहाँ क्या क्या मिल रहा है। ये देखिए आलू चॉप और उसके बगल में है कचरी, बगल में दोना रखा हुआ है, तो आपको ये सारी चीज़ें चटनी या सब्जी के साथ मिलेगी। और यहाँ पर है धुसका और है गुलगुला, तो जिनको भी खाना है बाज़ार में आप इन चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। बाज़ार में आपको फ्रूट्स भी मिल जाएंगे, तो जैसा मौसम रहता है उस तरह के फल मिलते हैं। यहाँ देखिए अनार है, केला है, सेब है और मैंने एक जगह पे शरीफा भी देखा था और अमरूद भी देखा था। तो जैसा मौसम रहेगा दोस्तों उसी तरह से आपको फल भी मिल जाएंगे बाज़ार में। बाज़ार में आपको छोटे प्लांट्स भी मिल जाएंगे, तो ये फलों के भी प्लांट्स होते हैं इनके पास और बहुत सुंदर सुंदर फूलों के भी होते हैं, सीजनल प्लांट्स होते हैं। तो जैसा भी आपको लेना होगा दोस्तों आप यहाँ से ले सकते हैं। और प्लांट्स आपको बाज़ार घुसने से पहले ही दिख जाएंगे, तो अगर आपको लेना होगा तो ज़रूर से ले लीजिएगा। बाज़ार के लास्ट में आपको पोर्क मार्केट भी देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि नामको बाज़ार की स्पेशलिटी भी यही है। और आपको मीट मछली भी आगे की तरफ मिल जाएगा। तो मैंने तो यहाँ शॉपिंग कर ली। यहाँ पे सेब है जो मुझे 80 रुपये किलो मिला था, आधा दर्जन मैंने केला लिया था 25 रुपये का और दोना और पत्तल लिया है, और मैंने धुसका लिया था 5 रुपये पीस करके। और यहाँ पर मैंने हल्दी ली है, 10 रुपये की हल्दी थी। और है काजू वाले बिस्किट, बादाम, ये सब 10-10 रुपये पैकेट का था।
और मैंने धुवन ले लिया था दोस्तों, ये भी 10 रुपये का मुझे मिला। और मैंने लिया है टमाटर, आधा किलो टमाटर, नींबू ले लिए थे मैंने, मिर्च और भिंडी लिया था। तो यही थी मेरी आज की शॉपिंग। और हाँ, मैंने लिए लिया था झाड़ू जो दीदी बेच रही थी। तो दोस्तों, मैंने मार्केटिंग कर ली है और अब मैं जा रही हूँ घर। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर से बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ।